तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भुखमरी की कगार पर पहुंचे लाखों फिलिस्तीनी, तो अमेरिका का बदला सुर। अमेरिका ने गाजा में जल्द जंग खत्म करने का किया ऐलान, नेतन्याहू के लिए झटका। बीजेपी के टिकट पर दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अक्षय कुमार, बीजेपी जल्द करेगी ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खेला, बसपा का दिग्गज नेता आज थामेगा सपा का दामन, मायावती की बात मानने से किया इनकार। गुजरात में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप, 3000 किलो के साथ 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार। पश्चिमी देश जिस समस्या को हल नहीं कर पाए उसके लिए सऊदी अरब के दर पहुंची मदद की गुहार, सऊदी कराएगा रूस यूक्रेन में समझौता। पश्चिमी यूपी में बड़ी जैन चौधरी की मुश्किलें, आरएलडी का खेल बिगाड़ने के लिए एक्टिव हुई पुरानी पार्टी, कांग्रेस सपा को समर्थन देने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच भुखमरी के शिकार हुए लाखों फिलिस्तीनी, तो अमरीका ने गाजा में जंग रोकने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में बीते 5 महीने से जंग चल रही है और इसी जंग की वजह से लाखों फिलिस्तीनी भुखमरी के शिकार गाजा पट्टी में हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के खिलाफ बड़ा आदेश जारी किया है जो नेतन्याहू के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लाखों फिलिस्तीनियों के भुखमरी के शिकार होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी में जंग रोकने का इसराइल को आदेश दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आने वाले 1-2 हफ्ते में गाजा पट्टी में जंग रुक जाएगी और वहां पर इजराइल कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में आने वाले 1-2 हफ्ते में जंग रुकने वाली है, जो फिलिस्तीनियों के लिए बड़ी जीत साबित होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे अक्षय कुमार। जो दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जल्दी बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से अक्षय कुमार को उम्मीदवार बना सकती है। इसे लेकर पार्टी के कुछ नेताओं ने अक्षय कुमार से संपर्क किया है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अक्षय कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताया जाता है, कई मौके पर वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलते भी रहते हैं। साल 2019 में अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव से पहले इंटरव्यू लिया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मौजूदा समय में अक्षय कुमार बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और जल्दी अक्षय कुमार लोकसभा चुनाव दिल्ली से लड़ सकते हैं। आपकी क्या राय दोस्तों, अक्षय कुमार को बीजेपी से टिकट मिलने पर चुनाव लड़ना चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खेला, बसपा का दिग्गज नेता आज थामेगा सपा का दामन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मायावती के साथ खेला कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बुधवार को समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, सपा उन्हें MLC बना सकती है। सपा में उनके आने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। अखिलेश यादव के इस्तीफे देने से रिक्त हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से ही सपा को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। गुड्डू जमाली काफी समय से सपा के संपर्क में थे। गुड्डू जमाली की मुबारकपुर सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। तो गुड्डू जमाली जल्द ही जो है मायावती की पार्टी छोड़कर अखिलेश की पार्टी में शामिल होने वाले हैं, जो मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सीबीट पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजीव गांधी के हत्यारे का हुआ निधन, राजीव गांधी अस्पताल में ली अंतिम सांस। जदोसो आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी संतन का आज निधन हो गया है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक संतन ने राजीव गांधी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। दरअसल आपको बता दें कि सजा काट रहे संतन को बाद में रिहा कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक संतन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मीडिया में इसकी जानकारी एक सरकारी हवाले से रिपोर्ट की जा रही उसमें आई है। संतन की उम्र लगभग 55 साल है और 1991 में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में साथ दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने बढ़ा दी जैन चौधरी की मुस्कुराहट, आरएलडी का खेल बिगाड़ने के लिए एक्टिव हुई पुरानी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आए दिन नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। जैन चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के NDA खेमे में जाने के बाद पश्चिमी यूपी में पुरानी लोकदल मैदान में उतर आई है। वहीं मौके पर चौका मारते हुए हल जोतते किसान चिन्ह के साथ लोकदल PDO को समर्थन कर रही है। पिछले दिनों अलीगढ़ में राहुल गांधी
दिल्ली की यात्रा में भी पार्टी के झंडे दिखाई दिए थे। पार्टी अध्यक्ष सुनील चौधरी ने दावा किया है कि वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर समेत कई जगहों पर मजबूत बताया है। यूपी में ये नया सियासी समीकरण जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिमी देश जिस समस्या को हल नहीं कर पाए उसके लिए सऊदी अरब के दर पहुंची गुहार, अब सऊदी कराएगा समझौता। जदोस आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग तीसरे साल में पहुंच गई है। जंग की शुरुआत में लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ये जंग रूस आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जंग लगातार जारी रही। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के जो है यूक्रेन के समर्थन करने के बाद भी जंग रूस और यूक्रेन में नहीं रुक पाई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इसी जंग को रोकने के लिए और अपने कैदियों की रिहाई को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। जेलेंस्की की वेबसाइट पर जारी बयान में बताया गया है कि दोनों नेताओं ने संघर्ष को खत्म करने को लेकर चर्चा की है। साथ ही बताया है कि सऊदी अरब जंग का समाधान तलाशने में मदद करेगा और सऊदी अरब ही ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करवाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पूरी दुनिया के फैसले अब मुस्लिम देश कराने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को झटका, सीएम सुक्कू ने बुलाई विधायक दल की आपातकालीन बैठक। जदोसा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम एक रोमांचक स्थिति में पहुंच गई है। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे मतदान के बीच आज विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष पहले की तरह मजबूत स्थिति में नजर नहीं आया, जबकि विपक्ष आक्रामक स्थिति में दिखा। वहीं आपको बता दें कि जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोट हुए थे तो कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी के जो राज्यसभा उम्मीदवार थे उसके समर्थन में वोट किया, जिससे हिमाचल में बीजेपी एक सीट जीत गई। वहीं आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा और कांग्रेस पार्टी की जो मुख्यमंत्री है सीएम सुक्कू, उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस बैठक में बात होगी कि आखिरकार किन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और क्यों की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप, 3000 किलो के साथ 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार। जदोसा आपको बता दें कि भारतीय नौसेना और एनसीबी ने अपने एक संयुक्त अभियान में गुजरात के पोरबंदर के पास से एक जहाज से लगभग 3300 किलो ड्रग्स बरामद की है। नौसेना ने बताया है कि ड्रग्स की ये खेप देश में अब तक पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप है। इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। मंगलवार को नेवी कमांडर ने एक छोटे जहाज को रोक लिया। तलाशी में जहाज में 3089 किलो से ज्यादा चरस, 158 किलो मेथामफेटामाइड और 25 किलो मार्फिन बरामद हुआ। जहाज के चालक दल के सभी 5 सदस्य पाकिस्तान से थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के साथ कमजोर पड़े ओम प्रकाश राजभर जल्द बीजेपी छोड़ सपा में होंगे शामिल। जदोसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेटों ने जीत दर्ज की है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है। हालांकि जसन की इस तस्वीर में बीजेपी के अहम सहयोगी माने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर दिखाई नहीं दिए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि यूपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी, योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत अपना दल एस के नेता आशीष पटेल मौजूद है, लेकिन राजभर की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, समाचार लिखे जाने तक ओपी राजभर ने अपने योगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जीत पर कोई बयान भी नहीं दिया है। सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव के दिन वह शाम तक दिखे, लेकिन रात के जश्न में वो नहीं दिखे। दावा यह किया जा रहा है कि उनका एक विधायक था जिसने समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन राजभर ने इसका खंडन किया है। अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि राजभर जल्दी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में दोबारा से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनको बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया है, जिससे वो नाराज है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर बवाल, दलित युवक की गोली लगने से मौत। जदोसा आपको बता दें कि यूपी के रामपुर में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह मामला पहली बार आया है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर
जयपुर के मिलक थाना क्षेत्र के सिलाई बड़ा गांव की है। यहां जमीन के एक हिस्से में भीमराव अंबेडकर के चित्र वाला बोर्ड लगाने को लेकर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खेला। बसपा का दिग्गज नेता आज थामेगा सपा का दामन। जदयू आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले